तो क्या यह मान लिया जाए कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद पर आपसी समझौते की गुंजाइशें अब हर दिन खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टेटस रिपोर्ट मांगा है और ये कहा है कि अगर ज़रूरी लगा तो 25 तारीख से डे टू डे हियरिंग की शुरुआत की जा सकती है। अयोध्या विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि रोजाना सुनवाई शुरू करने संबंधी औपचारिक आदेश 18 जुलाई को जस्टिस खलीफुल्ला पैनल की अंतरिम रिपोर्ट को देखने के बाद किया जाएगा। यानी अगर कोर्ट को लगा कि मध्यस्थता प्रक्रिया से कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही तभी 25 जुलाई से मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई होगी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 8 मार्च को पूर्व न्यायाधीश FM खलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की थी जिसे मामले का सर्वमान्य समाधान निकालना था। तो क्या यह मान लिया जाए कि जुलाई 2019 का महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अयोध्या विवाद पर, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मामले पर इस महीने के आखिर तक बहुत कुछ स्थिति साफ होने जा रही है कि आखिर क्या मध्यस्थता के जरिए कोई शक्ल निकलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट ही अपना आखिरी निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट से कैमरा पर्सन अरशद खान के साथ जब्बार खान, R9 TV।